टैली चैप्टर 214। आज का TDL सेशन हमारा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बना हुआ है जो हमारे साथियों ने रिक्वेस्ट की है। इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पेंडिंग बिल्स को उन्हें सॉर्ट करना है। ये मैं एक्चुअल में समझ ही नहीं पाया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया और उसके बाद मैं ये समझ पाया। ये मैंने ऐसा क्यों बोला आपके लिए, वो इसलिए कि रेडीमेड कोड तो आपको ब्लॉग से मिल जाएगा इस वीडियो का, TDL का, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मतलब इस्तेमाल कैसे होगा, वो यूज़ करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना चाहिए, तो आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। एक एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या है कि जब मैं अपने सिस्टम पर जाऊँगा तो यहाँ पर वाउचर के अंदर या डेबुक में मेरे पास बहुत सारी एंट्रियाँ हैं अलग अलग डेट की, अलग अलग पार्टीज़ की हैं, उनसे पैसा रिसीव कर रहे हैं। मैं मिश्रा जी के पास चलता हूँ, मिश्रा ट्रेडर्स, जो लोग प्रैक्टिकली कंपनियों में काम करते हैं तो उनके पास इनवॉइस बहुत सारे होते हैं एंट्री करने के लिए पार्टियों के। जैसे हमारा एक कस्टमर है, वो आपसे उधार ले जाता है, रोज महीने के अंत में हिसाब करता है, जैसे हम राशन की दुकान से सामान लेते होंगे या फिर मिल्क शॉप से लेते हैं, या किसी भी जगह पर आप डेली वीकली सामान लेते रहते हैं, तो आपको एक प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं। वो सारे बिल जो इस पार्टी के हैं पेंडिंग, जब हम इस पर क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ पेंडिंग बिल्स, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टैली में होता है। मैंने उसको एक्टिवेट कर रखा है अपने F12 में जा करके। आप भी F12 में कर लेना कि आपको बिल एलोकेशन टेबल पेंडिंग बिल्स की देखनी है, तो ये पहले आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, 1, 13, 16, 4, 5। अच्छा, इसमें अब क्या है, एक 1 अप्रैल की एंट्री है, एक 2 अप्रैल की, फिर 1 अप्रैल की, फिर 2 अप्रैल की, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो जो जो पार्टी के एंट्री होती रहती है उनमें हमारी इस पार्टी का बिल नंबर तो चेंज होगा, नेचुरल सी बात है, ये तो रहेगा। अभी राम ने सामान खरीदा तो बिल नंबर 1, श्याम ने खरीदा बिल नंबर 2, राम ने फिर सामान खरीदा तो बिल नंबर 3 हो जाएगा, ये नेचुरल है। लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो सही नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, वो एक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल व्यूअर्स ने बताया कि उन्हें जॉब में क्या प्रॉब्लम आती है। एक बड़ी सी लिस्ट होती है, उसमें मैं उसको अलाइन, मतलब सॉर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने आपके लिए TDL बनाई है, इसका लाभ उठाइएगा। इसकी एंट्री करने के लिए आपको शुरू से एंट्री करनी चाहिए। शुरू से एंट्री करेंगे, कोड तो आपको मिल जाएगा, मैं अपने नोटपैड पर जाऊँगा, नोटपैड पर फटाफट आपका कोड लिख दूँगा, आपका काम यहीं से कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि पहले हम अपनी सारी एंट्रीज़ को कर देते हैं डिलीट। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि नई एंट्री करने से आपको बिल का ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक है, बिल का ऑर्डर पता चल गया तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे डिस्प्ले डे बुक, ये रही एंट्रियाँ। अब इन एंट्रियों को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, जैसे मान के चलते हैं मैं कुछ एंट्रियों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ऑल डी, ये मैंने कुछ एंट्रियाँ यहाँ पर कम कर दी, इनवॉइस नंबर तो वही चलेगा। अब हम रिसिट वाउचर के अंदर आ गए, मैंने पार्टी का नाम लिया मिश्रा ट्रेडर्स। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ मेरे पास एक टेबल आ जाएगी। अच्छा, मेरा बिल एलोकेशन टेबल थोड़ा सा साइज में डिफर हो गया, बड़ा हो गया। अगेंस्ट रेफरेंस जैसे ही मैं लूँगा, अब आपको टेबल में बदलाव नज़र आ गया। एक तो राइट साइड में आ रहा है, ऊपर से बदलाव क्या है, 1, 4, 13, 16, जो वहाँ पर नंबर अलग अलग चल रहे थे अब यहाँ पर वो सेट हो गए, 1, 4, 13, 16 करके एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर अलाइन हो गए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। तो यही परेशानी बहुत सारे व्यूअर्स को हो रही थी जो डेली सामान उधार देते हैं, दिन में 2-3 बार देते हैं, महीने में 1 बार पेमेंट लेते हैं। सबका अपना अपना बिजनेस है, जैसे वो दिल्ली के एक फेमस मार्केट सदर बाजार में जाते हैं, हर बार जब नया कस्टमर आता है, कोई प्रोडक्ट जाता है, तो वो दूसरे वाले शॉप से ले आते हैं, तो दिन में कई बार वो लेते हैं, जबकि उनका बिल नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। मैं अभी वही बता रहा था, राम ने सामान खरीदा पहली बार 1 नंबर पे, श्याम ने खरीदा 2 नंबर, राम ने फिर सामान खरीदा 3 नंबर, तो यहाँ पर
ये आपके लिए हेल्प करेगा पेंडिंग बिल्स को सॉर्ट करने के लिए। अब इसका कोड आपको कैसे मिलेगा? ये जो कोड है ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। आपने वहाँ पर आपको नीचे सबसे आखिरी एक ब्लॉग लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए। मेरा ब्लॉग पेज ओपन होगा, उसे सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। एक दो लाइनें वहाँ लिखी होती हैं मिसिंग है, वो आपको वीडियो में से लेनी है जो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर TDL पर आपके लिए सैकड़ों वीडियो हैं, एक से बढ़कर एक बेहतरीन वीडियो हैं, वो आप देख सकते हो। और आप अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता है कि मैं रोज़ कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर ऐड करता हूँ, मिनिमम। ठीक है, ये हमारा रूटीन है। और दिन में कई बार दो तीन चार पांच वीडियो जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती है और कोड तैयार होते रहते हैं, हम अपलोड करते रहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप अपने लिए TDL बनवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस हम लेते नहीं, नेचुरल सी बात है कि ओपन है, तो आप बनवाइए। और बस आपको करना है कि डिटेल में एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ना अकाउंट्स का नहीं है, प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, मुझे अकाउंट्स नहीं आता। तो आप जो अकाउंट वाले टर्म यूज़ करते हैं ना, वो मेरे को समझ में नहीं आते हैं, इसलिए आपको एक बच्चे की तरह एग्जाम्पल देना होता है। मुझे एग्जाम्पल समझ आता है, उसके बाद में मैं आपके लिए कोड तैयार कर देता हूँ। तो टेक्निकल अकाउंट की नॉलेज मुझे नहीं है बहुत अच्छी। ठीक है, प्रोग्राम मैं आपके लिए तैयार कर दूंगा, तो यहाँ पर वीडियो का लाभ उठाएं। अब चलते हैं कोड पर कि कौन से कोड की लाइनें आपके लिए मिसिंग हैं, गायब हैं। तो सबसे ऊपर चलेंगे, ऊपर मैंने एक लाइन आपके लिए हटा दी है। ठीक है, वो लाइन क्या है कि जब भी मैं अपने सिस्टम पर एंट्री करता हूँ, जैसे मैंने बहुत सारी एंट्रीज की अलग अलग प्रोडक्ट की, उनका प्रिंट निकालता हूँ, तो उनके लिए अलग अलग कोड बनाए हैं मैंने। वो अलग अलग वीडियोज़ आप देखना कि कहाँ पर ये कलर चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये अलग अलग आइटम बड़े बड़े कलरफुल आ रहे हैं, ये सब मैंने सिखाया हुआ है। आपको बस वहीं जा कर के सीखना है मेरे चैनल पर। ऊपर रेड कलर में वीडियो नंबर कैसे ऑटोमेटिक आता है, डेट टाइम कैसे आती है, या मैंने जो इवेंट लिया है वो कैसे यहाँ पर इवेंट आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो लाइन दिखा रहा था आपको। ये जो आपका सबसे ऊपर कलेक्शन वाली लाइन है, वो मैंने कलेक्शन वाली लाइन उड़ा दी है। ये कलेक्शन वाली लाइन आप टाइप कर लेना, बाकी सारा कोड तो एज इट इज़ आपको मिल जाएगा ब्लॉग से ही। ठीक है, तो टेली चैप्टर जो मेरा 214 है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करिए अपने टॉपिक के लिए, और चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं टेली चैप्टर 215 की ओर।